कहानी ना मेरे को मेरी बड़ी मम्मी दी थी और आज मैं उसी में से आप लोग को चैप्टर 9 पेज नंबर 18 पढ़ाऊंगी। तो चलो शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, अब चलो मैं आपको पढ़ाती हूँ। हाँ, तो इस कहानी का नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो एक बंदर और एक मगरमच्छ की कहानी है ये। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वॉज अ जामुन ट्री। एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। अ मंकी लिव्ड ऑन दैट ट्री। द मंकी एट जामुन्स एंड लिव्ड हैप्पीली देयर। उस पेड़ पे एक बंदर रहता था और वो हर समय खूब खाता पीता रहता था जामुन। और इन द रिवर देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल। एवरी डे ही वुड कम आउट ऑफ द वाटर टू बैथ इन द सन। उसी नदी में एक क्रोकोडाइल था। क्रोकोडाइल जानते हो, वो एक खतरनाक मगरमच्छ था और वो रोज पानी में तैरने के बाद वो रोज उसी पेड़ के छाया में आके सन बात करता था। उसके बाद आगे सुनो। द मंकी थ्रू अ फ्यू जामुन्स डेली एंड द क्रोकोडाइल रिलीज्ड दोस। जो द बंदर था वो रोज उसको जामुन देता था। अब आगे देखिए। द क्रोकोडाइल हैड अ वाइफ हु स्टेड एट होम। वन डे मंकी गेव फ्यू जामुन्स फॉर हिज वाइफ। जो क्रोकोडाइल था उसके पास एक वाइफ भी थी। एक दिन बंदर ने उसे जामुन दिए कि वो अपने वाइफ को भी खिलाए। और आप देखिए क्या करता है क्रोकोडाइल। द क्रोकोडाइल थैंक्ड हिम एंड कैरीड द जामुन्स टू हिज वाइफ। ही प्रेजेंटेड द जामुन्स टू हिज वाइफ एंड टोल्ड अबाउट हिज फ्रेंड मंकी। वो जामुन खिलाया अपनी पत्नी को और उसने सब कुछ बताया बंदर के बारे में और बोला कि वो कितना अच्छा दोस्त है और डेली जामुन खिलाता है। अब जो वाइफ थी वो बोली, मिसेस क्रोकोडाइल लाइक्ड द जामुन्स वेरी मच। हाउएवर द विग्ड वाइफ ऑफ क्रोकोडाइल थॉट इफ फ्रूट इज सो डिलीशियस देन हाउ डिलीशियस वुड बी द पर्सन हु इज ईटिंग दीस स्वीट फ्रूट्स डेली। तो फिर जो वाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा चालाक थी। वो सोच रही थी कि चलो ये बंदर जो रोज खाता है इतने इतने डिलीशियस जामुन, वो कितना कि उसका दिल कितना टेस्टी होगा। अब देखिए, सो शी थॉट ऑफ प्लान टू ईट द फ्लैश ऑफ द मंकी। तो उसने एक प्लान बनाया और सोचा कि चलो इस बंदर का फ्लेश खाते हैं, बहुत टेस्टी होगा। अब देखिए, वन डे व्हेन द क्रोकोडाइल केम बैक होम ही सॉ हिज वाइफ लाइंग ऑन द बेड एंड क्राइंग बिटरली। एक दिन जब वो क्रोकोडाइल आया घर पे तो उसने देखा कि उसकी वाइफ ना रो रही थी। वो बेड पे बहुत देर से पड़ी हुई थी। The puzzled crocodile went closer and asked, "What happened, my dear? Why are you crying?" तो फिर crocodile पास आके बोला, "क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी दुखी हो कि क्यों बिस्तर पे पड़ी हो?" तो फिर wife ने कहा, "Oh dear, I am not well feeling. I think I am going to die." The crocodile loved his wife deeply. He said, "Oh sweetheart, please do not speak like that. Tell me, what can I do for you?" तो फिर क्रोकोडाइल ने कहा, तो फिर उसने उसकी वाइफ ने कहा कि वो अच्छी नहीं फील कर रही है, उसे लग रहा है कि वो जल्दी ही मर जाएगी। तो फिर मगरमच्छ ने कहा, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा तुम्हें बचाने के लिए। अब आगे देखिए। तो उसकी वाइफ ने कहा, द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड मी टू ईट मंकीज हार्ट। इफ यू वांट मी टू सेव माय लाइफ देन ब्रिंग योर फ्रेंड्स हार्ट फॉर मी। फिर भाई उसकी वाइफ बोली कि उसके डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हें एक बंदर का दिल खाना होगा, तभी तुम ठीक हो पाओगी। Crocodile said, "But how can I do like this? Monkey is my good friend." And crocodile ने कहा, मैं कैसे कर लूँ ये?
अब देखिए, क्रोकोड वाइफ ने कहा, देन लेट मी डाई, सेड द वाइफ एंगरली एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन। तो गुस्से में उसकी वाइफ ने कहा कि तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, और वो वापस रोने लगी थी। द क्रोकोडाइल वाज कंफ्यूज्ड, ही डिड नॉट वांटेड टू किल हिज फ्रेंड एंड एट द सेम टाइम ही डिड नॉट वांट टू दैट हिज डियर वाइफ शुड डाई। तो फिर वो बहुत सोचने लगा और बहुत कंफ्यूज्ड हो गया कि अब मैं क्या करूं, मैं अपने दोस्त को भी नहीं मारना चाहता और अपनी पत्नी को भी नहीं मरना चाहता हूं, मरने देता हूं। तो फिर फाइनली शेकिंग बाय द वेलिंग ऑफ हिज वाइफ, द क्रोकोडाइल थॉट ऑफ अ प्लान एंड वेंट टू द मंकी। तो फिर अपना सर बार-बार शेक करने के बाद उसे एक आईडिया आया कि वो कैसे मंकी को पटा दे और वाइफ को बचा ले। और उसके बाद वो बंदर के पास गया और सुनिए अभी उसने क्या बोला। After reaching near to the jamun tree, he called, "Oh friend, please come down. Today my wife has invited you on the lunch. She is very much pleased with your kindness, teacher." तो फिर उसने ये प्लान बनाया था कि चलो आज मैं जामुन ट्री पे जाता हूँ और बंदर को फंसा के ले आता हूँ। उसने बोला कि मेरे प्रिय दोस्त, प्लीज जल्दी से नीचे आ जाओ, क्योंकि आज मेरी वाइफ ने तुम्हें ना एक बहुत अच्छी फीस्ट पे बुलाया, डिनर पे, सॉरी मेरा मतलब लंच पे, और बहुत प्लीज है क्योंकि तुम्हारी काइंडनेस की वजह से। The monkey happily sat on the back of the crocodile and the crocodile swam fast in the river water. When they reached in the middle of the river, the crocodile suddenly started rolling. तो monkey बहुत खुशी से बैठ गया क्रोकोडाइल की बैक पे, और जब उन लोग मिडल में पहुंच गए तो क्रोकोडाइल रोल होने लगा। द स्केर्ड मंकी स्क्रीम्ड, व्हाट आर यू डूइंग, आई विल बी ड्रोन। तो फिर जो बंदर था वो चिल्लाने लगा और बोला कि तुम क्या कर रहे हो ये, मैं मर जाऊंगा। अब देखिए क्रोकोडाइल क्या बोलता है। दैट्स व्हाट आई वांट, सेड द क्रोकोडाइल। तो वही तो मैं चाहता हूँ, क्रोकोडाइल ने बोला ऐसा। But why do you want to kill me? Asked the scared monkey. लेकिन तुम क्यों चाहते हो मुझे मारना? ऐसा बंदर ने कहा। The crocodile replied, My wife is dying and the doctor has prescribed that her to eat a monkey's heart. वो उसकी पत्नी मर रही है और उसके डॉक्टर ने कहा है कि उसको एक बंदर का दिल चाहिए जिससे उसकी पत्नी ठीक हो जाए। Hiding his fear, the monkey spoke in calm voice, Why didn't you tell me earlier? शांत होके उसने कहा कि तुम पहले क्यों नहीं बताए? I have placed my heart in the hollow of the tree. मैंने अपने दिल को एकदम संभाल के अपने ट्री पेड़ में रख लिया है। Let's rush to the tree to bring the heart. I can do anything to save my friend's wife. तो वो बोला कि जल्दी से चलो, जैसे पेड़ से मैं अपना दिल उठा लाऊं। The crocodile believed his words fully and rushed back as climbed up the tree very fast and sat there safely. तो फिर मगरमच्छ को उसकी बातों में बहुत ज्यादा बिलीव हो गया और वो वापस पेड़ की तरफ जल्दी जल्दी तैर तैर के आ रहा था। और फिर मंकी तुरंत ही दौड़ के वापस पेड़ पे चढ़ गया। तो क्रोकोडाइल आस्क, ओ फ्रेंड, डिड यू गेट योर हार्ट, प्लीज कम फर्स्ट। तो फिर मगरमच्छ बोलता है कि कितना टाइम लगेगा तुम्हें, जल्दी आ जाओ। मंकी लाफ्ड अलाउड एंड सेड, हा हा हा, यू फूलिश क्रोकोडाइल, माय हार्ट इज सेफली विद मी। तो वो जोर जोर से हंसने लगा, बेवकूफ क्रोकोडाइल, मेरा दिल तो मेरे पास मेरे बॉडी के अंदर सेफली है। आस्क योर वाइफ टू गिव अप द आइडिया ऑफ ईटिंग अ मंकीज हार्ट। और वो बोला कि अपने वाइफ को गिव
कब कर दो एक बंदर का हार्ट, एक बंदर का दिल लेने के लिए। तो अब ये मोरल ऑफ द स्टोरी बताती हूँ मैं। सेल्फिशनेस हैज अ नो प्लेस इन फ्रेंडशिप। सेल्फिश की नो कुछ प्लेस ही नहीं होती है फ्रेंडशिप में। उसका अगर वो सेल्फिश बनता है तो फिर कोई उसका दोस्त नहीं बनेगा। ये चीज हमेशा याद रखना। कैसी लगी आप लोगों को कहानी बच्चों? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना नीचे से। और हाँ, अगली बार मैं और अच्छी कहानी बना के लाऊंगी।